नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं पहाड़ समाचार। चमोली जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में बन रही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों पर ग्रामीणों का भारी अनियमितताओं का आरोप है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजा। चोपता के प्रधान और ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पहले भी स्थानीय प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्यदायी संस्था के खराब काम करने के तौर तरीकों पर कभी भी अंकुश नहीं लग सका। मुख्यमंत्री को भेजे शिकायती पत्र में लिखा है कि सड़क सुधारीकरण के नाम पर घटिया किस्म का कार्य किया गया है और ग्रामीणों को कृषि भूमि और संपत्तियों को बिना डंपिंग ग्राउंड बनाए ही मलबा डालकर बर्बाद कर दिया गया है। अल्मोड़ा जिले में कल रात से हो रही बारिश के चलते जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जलभराव की समस्या खड़ी हो गई। जिले में शासन की तरफ से समय पर बजट जारी करने के बाद भी कोई कार्य नहीं किया गया, जिससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। नगर की रानी धारा सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और टूटने की वजह से आवागमन बाधित हो गया है। ये मार्ग आजकल आवागमन का मुख्य मार्ग बना हुआ था। इस मार्ग की देखरेख की जिम्मेदारी नगर पालिका के पास थी, लेकिन बजट की कमी और देखरेख ना होने के चलते इसे पीडब्ल्यूडी को दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी सड़क की हालत जर्जर बनी हुई है। अब नगर पालिका के सभासद के निर्देश पर ठेकेदार ने सड़क बनाने की बात कही है। जैसा कि यहाँ पे दीवार टूट गई है तो माननीय सभासद जी द्वारा मुझे बुलाया गया और भैया बताया गया कि तत्काल इस कार्य को शुरू कराया जाए, लेकिन पहले से भी यहाँ से लोगों से मांग उठ रही थी कि ये रोड की थोड़ी हालत स्थिति ख़राब है, तो उस विषय में कल भी हमारी बात माननीय अध्यक्ष जी से हुई थी। तो हमने देखा, उन्होंने उनके द्वारा हमें बताया गया कि बार बार पीडब्ल्यूडी को अवगत कराया जा रहा है और संयुक्त एक सर्वे भी किया गया है इस रोड का कि कैसे इस रोड में जो कालाडूंगी तहसील के राजकीय इंटर कॉलेज कोटाबाग के सामने खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन की टीम ने तोड़फोड़ की। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर नोटिस बोर्ड चस्पा कर जांच रिपोर्ट अधिकारियों को भेज दी है। अब उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल के आदेशों पर तहसीलदार, पुलिस और वन विभाग की टीम ने सरकारी जमीन पर बन रहे अवैध दुकानों का संयुक्त निरीक्षण कर अतिक्रमण हटा दिया है। कोटाबाग के सामने राजस्व ग्राम आमला कोट और खिम्बा पीपल की सीमा पर कुछ भूमि है जिसके स्वामित्व के संबंध में सरकारी कार्यवाही गतिमान है। उच्च अधिकारियों को ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों द्वारा इस भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर आज इस भूमि का निरीक्षण किया गया और कुछ लोगों द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा था उसको स्थानीय पुलिस। सरकार की बेरुखी से नाराज परिवहन व्यवसायी ने बारिश में ही मुख्यमंत्री आवास का घेराव के लिए पैदल मार्च निकाल दिया और पहले दिन ऋषिकेश से पैदल चलकर दोही वाला पहुंचेंगे। परिवहन व्यवसायी रात में विश्राम के बाद अगले दिन फिर देहरादून के लिए रवाना होंगे। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से चारधाम यात्रा नहीं चल पाई है, जिसकी वजह से अब परिवहन व्यवसायियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कई बार परिवहन व्यवसायियों ने सरकार से कुछ राहत देने की भी मांग की है, लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। नतीजा, अब परिवहन व्यवसायी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। उत्तराखंड परिवहन महासंघ के तत्वावधान में संपूर्ण उत्तराखंड से हरिद्वार से ऋषिकेश से एक पैदल पदयात्रा का आयोजन किया गया है, जो हमारी मांगों को लेकर जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का काम करेगा। मुख्यमंत्री जी को आवास में जो है पूछ करने का काम हम कर रहे हैं और वहां पहुंचकर अपने मांगों का मांग पत्र जो है मुख्यमंत्री जी को देगा। इस संबंध में जो हमारी मांगे हैं, सबसे पहले जो हमारी सर्वप्रथम मांग है वो चारधाम यात्रा का संचालन, इसकी शीघ्र अतिशीघ्र चारधाम यात्रा का संचालन खोल दिया जाए और जो श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं, अन्य प्रदेशों की तरह जिस तरह से उन्होंने आरटीपीसीआर की बाध्यता खत्म। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने विकास भवन सभागार में जनपद के समस्त खंड विकास अधिकारी और संबंधित स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। मॉनसून सीजन को देखते हुए जल संचय संरक्षण और संवर्धन के लिए ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, बाजार की दुकानों सहित अन्य भवनों में बारिश जल संग्रहण, भूजल रिचार्ज संबंधी संरचनाएं निर्मित करने के लिए बैठक ली। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि 21 जून 2021 को समस्त ग्राम पंचायतों में बैठक कर योजना का प्रस्ताव लेंगे और 22 जून को विकास खंडों में बैठक कर संकलित कार्य योजना प्रस्ताव को डीपीआरओ कार्यालय में प्रेषित करेंगे।
बाजपुर के भगत सिंह चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप कार्यकर्ताओं ने तीरथ सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उनके कामकाज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के जिला संगठन मंत्री दीनदयाल सिंह ने कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार जीरो वर्क सरकार थी और अब तीरथ सिंह रावत की सरकार जीरो विजन सरकार आई है। आखिर उत्तराखंड की उस जनता की क्या गलती रही जिसने प्रदेश में डबल इंजन की सरकार को चुना। आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है, हर तबके के लोग परेशान हैं। लोगों को कोरोना काल में ना तो टीके मिले और ना ही कोविड सेंटर ही समय से मिल पाए, इसलिए हम सरकार के कामकाज को लेकर उसका विरोध कर रहे हैं। आईडीपीएल में बने 500 बीएड के कोविड केयर सेंटर में कोविड के बाद अब ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज भी शुरू हो गया है। एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित इस सेंटर में ब्लैक फंगस से ग्रसित मरीजों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बढ़ते ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बता दें कि अभी तक यहां केवल कोरोना संक्रमित मरीजों को ही भर्ती किए जाने की सुविधा थी। विशेष तौर से कोविड मरीजों के इलाज के लिए तैयार किए गए 500 बेड की सुविधा वाले इस कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन 26 मई को राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा किया गया था। कोविड केयर सेंटर के प्रभारी डॉक्टर मधुर उनियाल ने बताया कि सेंटर में ब्लैक फंगस के रोगियों को भी भर्ती किया जा रहा है। यदि किसी मरीज के इलाज में मेजर ऑपरेशन की आवश्यकता हुई तो उसे एम्स तक पहुंचाने के लिए सेंटर पर 2400 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है। ये सुविधा सभी मरीजों के लिए निःशुल्क है। कोविड का सीजन अभी उतार पे है, लेकिन साथ ही साथ म्यूकर के पेशेंट्स में हम वृद्धि देख रहे हैं। ये सारे पेशेंट एम्स में टर्शरी केयर सेंटर होने के कारण पूरे उत्तराखंड एवं समीपवर्ती राज्यों से भी आ रहे हैं। इन पेशेंट्स की संख्या में इजाफा हुआ है, इस कारण हम लोग ने डिसाइड किया कि ये जो हमारा 400 बेडेड कोविड वार्ड जो पेशेंट आईसीयू के अलावा जो 100 बेड से अलावा है, इसमें हम एक म्यूकर की स्पेसिफिक विंग बनाएं। वो विंग हम बना चुके हैं और वो फुली फंक्शनल है और उसमें देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मुकदमा दर्ज किया गया है। हमामले में साइबर क्राइम के जरिए पुलिस को सूचना मिली कि जिस पर पुलिस ने आईटी एक्ट 67B में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जानकारी में देते हुए नेहरू कॉलोनी सीईओ ने बताया कि आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी ली जा रही है। बताते चले कि आरोपी ने अश्लील वीडियो अपने अकाउंट से पोस्ट की थी जिसको लेकर एक्शन लिया गया। ये थाना नेहरू कॉलोनी का मामला है, ये हमें एसटीएफ के माध्यम से मिला। ये एनसीआरपी टिप लाइन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक पोर्टल है जो सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन के लिए है या मिसिंग चिल्ड्रन के लिए है, उनके माध्यम से ये प्राप्त हुआ है एसटीएफ के माध्यम से। इसमें एक व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हुई है आईटी एक्ट में 67B में। तो अभी आगे इसमें हरिद्वार पुलिस ने हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र स्थित मिसरपुर भागीरथी विहार कॉलोनी में 20 मई को 80 साल के वृद्धा की हत्या कर दी गई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट के दौरान 4 आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। कनखल थाने में हरिद्वार की एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय और सीओ सिटी अभय सिंह ने प्रेस वार्ता कर इस हत्याकांड का खुलासा किया। एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने बताया कि इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस 6 टीमें गठित की गई हैं। सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के आधार पर कड़ी मशक्कत के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 30 मई की रात्रि की घटना है जो कनखल थाना क्षेत्र में हुई थी और इसमें 21 तारीख को हमारे वहाँ इसमें मुकदमा दर्ज हुआ था 394 और 302 IPC में। इसी में इसमें तब SSP सर के द्वारा इसमें तत्काल ही 6 टीम्स का गठन किया गया था और इसमें पूरी कार्रवाई चल रही थी। चूँकि एक वृद्ध महिला की इसमें मृत्यु हुई थी तो इसमें CIU भी हमारी लगी हुई थी और सारी टीम्स भी काम कर रही थी, जिसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ। इसमें CCTV वगैरह और सारी लोकेशंस वेरिफिकेशन किया गया। पूर्व में जो भी आए हैं, जितने भी लोग आए थे हत्या में या फिर और अपराध जो अपराधी आए थे, उन सभी का वेरिफिकेशन वगैरह इसमें किया गया। इसमें कल थाना कनखल को इसमें सफलता मिली है। इसमें हमने 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया है। खानपुर में 15 जून से सरकार ने सोने की ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग अनिवार्य करने का फैसला दिया था। सराफा कारोबारियों ने कोरोना काल में हॉल मार्किंग को और आगे बढ़ाने की अपील भी की थी। वहीं अब हॉल मार्किंग अनिवार्य होने से सोने
खरीदते समय उसकी शुद्धता को लेकर कोई संदेह नहीं रह जाएगा। बता दें कि अभी तक ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग स्वैच्छिक थी, अब हॉलमार्किंग अनिवार्य होने से ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की आशंका नहीं रह जाएगी। सबसे पहले बेनिफिट तो यही है हमें कि अब जो है प्योर हॉलमार्क के साथ मिलेगी, यानी जितनी क्वालिटी है, जितनी स्कीव है, शुद्धता के साथ मिलेगी। लेकिन इसका नुकसान ये है कि अब इसमें जो टैक्सेस बढ़ेंगे तो बाहर बढ़ेगा सर कस्टमर के ऊपर, तो बाहर जो इसका बढ़ेगा आएगा, बस ये इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है। पहाड़ों में लगातार तेज बारिश हो रही है, बारिश की वजह से नेशनल हाईवे के साथ कई रास्ते बंद हो गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे के साथ अलकनंदा, मंदाकिनी और पिंडर नदी सहित छोटे बड़े नदी नालों का जलस्तर बढ़ा है। चमोली जनपद में लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण इलाकों के मोटर मार्ग भी ठप हुए हैं। कर्णप्रयाग गैसैंड मोटर मार्ग भी सिरौली भटोली के पास रास्ता बंद हो गया है। बीआरओ के कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि पहाड़ों से लगातार पत्थर गिरने के कारण परेशानी हो रही है। बारिश थमने पर ही सड़क खोलना संभव होगा। कई जगहों पर ग्रामीण के खेत खलियानों में भी भारी पानी से नुकसान पहुंचने की भी सूचनाएं मिल रही हैं। हमारे गाँव की सड़क पिछले दो हफ्तों से मलबा आने के कारण बंद पड़ी है। विभाग के अधिकारियों से कई बार कहने पर भी अभी तक सड़क नहीं खोली गई। गांव के लोगों को और बीमार लोगों को बाजार और अस्पताल जाने। ऋषिकेश एम्स में जनरल ओपीडी खुलने के बाद भी टेलीमेडिसिन सेवा जारी रहेगी। बता दें कि 19 अप्रैल को आम मरीजों को फोन पर डॉक्टरी परामर्श उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई थी। तब से सुविधा के तहत फोन और व्हाट्सएप कॉल पर विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार मरीजों को आवश्यक मेडिकल परामर्श दे रहे हैं। अब यह सेवा आगे भी जारी रहेगी। कोरोना का संक्रमण काफी ज्यादा कम हो गया है, इसलिए मरीजों के लिए ओपीडी व्यवस्था को फिर से शुरू कर दिया गया है। ये कल रात को ही आई है, पूरे उत्तराखंड में आज ही के दिन लॉन्च होनी है जिला अस्पताल में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। आपने जैसे नाम सुना होगा निमोनिया, आप तौर पर आमतौर पर लोग कहते हैं बच्चे को निमोनिया हो गया है, तो ये फेफड़ों का इन्फेक्शन है। इसमें छोटे बच्चों को जुकाम, खांसी, बुखार, पसलियाँ चलना, तो माँ बहुत परेशान हो जाती है। तो उसके बचाव के लिए ये नियमित टीकाकरण जो हम करते हैं बच्चों का, BCG, DPT, पोलियो, नाम सुना होगा आपने, उसके साथ ही बच्चों को लगाया जाएगा 1.5 महीने पर पेंटावेलेंट डोज के साथ, तो एक साल के अंदर 3 डोज लगाई जाएंगी आपको, तो बच्चों को इस संक्रमण से रोकेगा फेफड़ों के इन्फेक्शन से। न्यूमोकोकल वैक्सीन जो छोटे बच्चों को, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को और 45 दिन से ऊपर के बच्चों को लगाई जाती है, आज की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। और निश्चित रूप से संक्रमण को रोकने के लिए, लंग्स इन्फेक्शन को रोकने के लिए यह कारगर सिद्ध होगी। और यहाँ पर सभी को जो छोटी 45 दिन से ऊपर के जो नवजात शिशु हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा और 1 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। भंडार में कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया, जिसके चलते सरकारी राजस्व को लाखों का चूना लग रहा है। वहीं जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड हरिद्वार का कहना है कि ये प्रकरण सन 2017 का है और 2018 में इसकी जांच की गई। जांच में इसकी नियुक्ति फर्जी पाई गई थी। जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड हरिद्वार में ने कहा कि मामला अब दोबारा मेरे संज्ञान में आया है, जल्द ही इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। रुड़की जबरेड़ा के विधानसभा में विधायक देशराज कर्णवाल ने चार गांवों को जोड़ने वाली 4 किलोमीटर की सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब वो निर्वाचित होकर इस विधानसभा में आए थे तो उनके क्षेत्र में उन्हें सिर्फ गड्ढे ही मिले थे। उन्होंने तभी प्रण लिया था कि वो यहाँ दोबारा विधायक रहे या ना रहे, लेकिन इस विधानसभा को वो गड्ढा मुक्त करने का दम लेंगे। ये प्रेस की 4 सड़कें मैंने पास कराई है, इनका उद्घाटन जल्दी ही होगा। 5 सड़कें मुझे मुख्यमंत्री जी ने और दी है, उन्हें 9 सड़कें हो गई। और उसके बाद राज्य योजना से, जिला योजना से और भी सड़कें मैं जल्दी ही लेकर आ रहा हूँ। मेरी विधानसभा में जो एक मुख्य सड़क रह गई है ये है आपकी माधोपुर वाली सड़क, 4.58, और इसको हम आज शुरू करेंगे।
और लगभग 3 से 4 दिन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। विधायक जी के द्वारा नहीं, नहीं दी गई है, एक सुझाव है, उसको हम सुझाव के तौर पर देखते हैं, क्योंकि हम लोग तो कार्य ही बेस पर करते हैं कि क्वालिटी दें। जैसा कि अभी लगभग सप्ताह भर पहले भी पत्रकार महोदय श्री अमर मौर्य जी द्वारा पूछा गया था, तो हमने कहा था भाई। मध्य प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। माफ कीजिएगा, उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।